नमस्कार, मैं दिव्या धरादत्त, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। रविवार को उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे बीजेपी के संपर्क में हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक तस्वीर सामने की आई, सबने बात का बतंगड़ बना दिया, लेकिन जदयू का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बीजेपी के कॉन्टेक्ट में है। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एक बड़े विकल्प के रूप में उभर रहा है और चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। भारत ने पिछले एक महीने में एप्पल आईफोन के तगड़े निर्यात से इस बात का संकेत दिया है कि पिछले एक महीने में देश से एप्पल आईफोन के निर्यात में तगड़ा उछाल देखने को मिला है और भारत से $1 बिलियन से ज्यादा का स्मार्टफोन एक महीने निर्यात किए जा चुके हैं। वह स्मार्टफोन का कुछ निर्यात दिसंबर के महीने में 10,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। ऐसे में यह आंकड़ा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को तगड़ा बूस्ट देने का काम कर रहे हैं। पहले रामचरितमानस, फिर सेना और अब स्वतंत्रता सेनानियों पर आरजेडी नेताओं के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह का कहना है कि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को कहने पर उनके नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। इमरान खान ने पीएम शहबाज की हाल की विदेश यात्राओं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर कई देशों की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें एक पैसा नहीं दे रहा है। शरीफ भारत से बातचीत के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने भारत से बातचीत के लिए इच्छा भी जताई है, लेकिन नई दिल्ली उनसे पहले आतंकवाद को खत्म करने के लिए कह रहा है, फिर वह पाकिस्तान से बात करने पर विचार कर सकता है। 22 फरवरी को भाजपा जनता पार्टी की बिहार इकाई द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे। बता दें कि सन्यासी और किसान नेता सहजानंद सरस्वती के जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा इस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही थी कि यह आयोजन सवर्ण समर्थन आधार को मजबूत बनाने के लिए रणनीति के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि हाल में ही एक समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता के बारे में बात की है। उन्होंने इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी सुझाव दिया। यह एक प्रशंसनीय विचार है जो कई लोगों, विशेष रूप से युवाओं की मदद करेगा। बिहार बोर्ड ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत पहुंच बना ली है। बिहार बोर्ड के सोशल मीडिया पेज को हर दिन लाखों विद्यार्थियों सर्च करते हैं। ऐसे में यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक ने बिहार कोड को आधिकारिक तौर पर वेरीफाई कर दिया। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा बिहार बोर्ड को ब्लू टिक कर दिया गया है। ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिलाकर इसके 9.40 लाख फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बता दें कि ब्लू टिक उन्हें ही मिलता है जिनके सब्सक्राइबर या फॉलोवर 1 लाख के ऊपर होते हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने BBC द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार द्वारा बैन करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। अवैसी ने सवाल किया है कि क्या पीएम मोदी महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे पर रिलीज होने वाली फिल्म को भी बैन करेंगे। देश भर के 188 शहरों में टॉप 10 प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर शामिल है। बेगूसराय पहले स्थान पर है तो दिल्ली 5वें नंबर पर है। वहीं पटना का स्थान 26वां है। सुबह के 22 शहरों की हवा खराब, बहुत खराब या खतरनाक श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा जारी राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक रविवार को बेगूसराय का सूचकांक 463 रहा। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम बाबा आजकल सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न न्यूज चैनलों पर चर्चा का प्रमुख कारण बने हुए हैं। स्वयंभू धर्म गुरु धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा उन पर नागपुर में कार्यक्रम के दौरान चमत्कारिक शक्ति प्रदर्शित करने के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया था। चीन के सैनिकों को लैग पर हर बार मुंह तोड़ जवाब देने वाले सैनिकों से आज देश के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मुलाकात की। जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में लैग के साथ लगे इलाके का दौरा कर सैनिकों से सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी ली। सेना प्रमुख ने सैनिकों से पैनी नजर बनाए रखने के लिए उनकी सराहना की और सभी को समान उत्साह और समर्पण के साथ काम करना जारी रखने के साथ ही हर स्थिति से निपटने के लिए सेना को तैयार रहने को कहा है। भारतीय नौसेना सोमवार 23 जनवरी को कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर के परिचालन की शुरुआत करेगी। भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण मजगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा मुंबई मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। कलवारी श्रेणी की ये 5वीं पनडुब्बी है। 4 पनडुब्बियों को पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश कोन की 360 डिग्री जांच की मांग की है। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी BBC की एक डॉक्यूमेंट्री के पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाहों और पूर्व सैनिकों के एक समूह ने आलोचना की। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को एक देशभक्त के खिलाफ प्रेरित आरोप पत्र करार दिया है।
जम्मू के भारी इलाके में दो बम विस्फोटों में 9 लोगों के घायल होने के एक दिन बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने रविवार को कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी से सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सोमवार को यात्रा उसी जगह से निकाली जाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन सुरक्षा इंतजामों को देखरेख करेगी, हमें भी इसका आश्वासन दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आगामी वित्त वर्षीय 2023-24 के मद्देनजर बजट पेश करेंगी। जानकारों की माने तो इनकम टैक्स लैब में लगभग 75,000 रुपए तक की राहत मिल सकती है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्र सरकार द्वारा अधिक निवेश किए जाने के साथ किसानों को 0% इंटरेस्ट पर लोन मुहैया कराया जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से फ्री लैपटॉप वितरण की योजना चलाई जा रही है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि फ्री लैपटॉप के लिए आपको बस एक लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस मैसेज से जुड़ी सच्चाई शेयर की है। भारत सरकार की प्रेस एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई बताई है। PIB ने अपने फैक्ट चेक में इन दावों को फर्जी बताया। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकार ने ऐसा फैसला किया है जिसको सुनकर आपको झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय स्थिति बेहतर होने से अगले वित्त वर्ष के बजट में सरकार की तरफ से बैंकों में नई पूंजी डालने की घोषणा होने की संभावना कम ही दिख रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात निगम की जरूरत से अधिक हो चुका है और इस समय यह 14% से लेकर 20% के बीच है। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाती हैं तो घर खरीदने पर लिया गया लोन आप क्लेम कर सकते हैं। टैक्स छूट मिलने से होम लोन की EMI भी सस्ती हो सकती है। साथ ही अन्य टैक्स रियायत GST स्ट्रक्चर में बदलाव और मकान खरीदारों के लिए सीमा में छूट भी शामिल। उम्मीद है कि ऐसे बदलावों से देश का रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ेगा। देश में विकसित पहला इंट्रानेजल COVID-19 वैक्सीन इनकोवैक 26 जनवरी को लॉन्च किया जा रहा है। इसे भारत बायोटेक ने बनाया। चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच इस वैक्सीन को पिछले साल 23 दिसंबर को भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। भारत बायोटेक ने पिछले साल दिसंबर में घोषणा की थी कि इसकी कीमत ₹25 प्रति खुराक होगी। वहीं निजी वैक्सीन सेंटर के लिए प्रति डोज ₹800 खर्च करने होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स इस बजट से इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं। आयकर विभाग के अनुसार 2022 में दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न का लगभग 50% सैलरीड क्लास ने भरा था, इसलिए ऐसे टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट 2023 में उनके लिए कुछ खास ऐलान करेगी। हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा था कि वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहे दबाव को समझती हैं। सरकार उनके हित में आगे भी कदम उठाएगी। चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेई तोंग ने हाल में चीन स्थित भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत से मुलाकात की। इस दौरान सुन वेई तोंग ने बल देते हुए कहा है कि चीन ने हमेशा विश्व शांति बनाए रखने और सामान्य विकास को बढ़ावा देने को विदेश नीति के उद्देश्य का पालन किया है। चीन के पास विकास की उज्जवल संभावनाएं हैं जो भारत सहित दुनिया भर के देशों के विकास के लिए नए अवसर लाएगी और दुनिया में अधिक स्थिरता और निश्चितता लाएगी। अगर आप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लाभ के लिए शुरू की गई सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है और 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता पिता इस योजना के तहत बालिकाओं का अकाउंट खोल सकते हैं। यह अकाउंट बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष तक की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। अडानी समूह ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 3 दिन बाद ही ट्रक चालकों के साथ जारी विवाद के चलते इन फैक्ट्रियों को बंद कर दिया था। अडानी समूह इस दिशा में राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। अडानी समूह ने कहा है कि ट्रक चालकों की यूनियन को 50,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तैयार होना होगा और 3,311 ट्रकों की संख्या को कम करके 550 तक लाना होगा। इसके साथ ही अडानी समूह ने कहा है कि कामकाज से जुड़े सभी तरह के फैसले लेने का अधिकार कंपनी को होना चाहिए। भारत की अदालतों में किस कदर केस का बोझ बना हुआ है इसका अंदाजा नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रीड के आंकड़ों से पता लगाया जा सकता है। निचली अदालतों में इस समय 4 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग है। इसमें 63 लाख मामले इसलिए लंबित हैं क्योंकि वकील की उपलब्धि नहीं है। इनमें कम से कम 78% मामले आपराधिक और बाकी दीवानी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा कि हुबली हवाई अड्डे को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नत किया जाएगा और मौजूदा रनवे को अतिरिक्त 600 मीटर तक बढ़ाया जाएगा ताकि हवाई अड्डे पर बड़े विमानों की लैंडिंग और एक नेट टर्मिनल भवन का निर्माण हो सके। इंदौर में खेले जाने वाले आखिरी वनडे मैच में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव देखने को मिल सकता है। हार्दिक पांडे और मोहम्मद शमी को आराम दिया जा सकता है। शहबाज अहमद और उमरान मलिक को मौका मिल सकता है।
जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच करवाहट लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन कभी सरकार तो कभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा बयान आ जाता है जिससे दोनों के आमने सामने नजर आते हैं। ताजा मामले में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज का इंटरव्यू क्लिप शेयर किया है जिसमें वे कह रहे हैं कि अपने जजों की नियुक्ति से संविधान को हाईजैक कर लिया है। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि ज्यादातर लोग इस समझदार विचार के हैं। मोदी कैबिनेट में जल्दी फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। किन चेहरों को जगह मिलेगी और किन की छुट्टी होगी इसका फिलहाल पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा सिर्फ जेपी नड्डा या बीएस संतोष को ही पता लगेगा, लेकिन अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार में जिन मंत्रियों की उम्र ज्यादा हो गई है उनकी छुट्टी हो सकती है। मोदी सरकार में 75 साल की उम्र को आधार माना गया है। वर्तमान समय में 10 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जिनकी उम्र 70 साल को पार कर चुकी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हिजाब मामले की तुरंत सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। उन्होंने मामले पर गौर करते हुए इसे 3 जजों की बेंच के समक्ष भेजने का फैसला किया है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी सुनवाई कर चुका है, इसलिए 2 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया वो उलझाने वाला था। एक जज की राय कुछ और थी जबकि दूसरे जज की कुछ और थी। हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, खुशबू सिंह, नितेश महमूद अंसारी, अनमोल रविशंकर, एमडी नौसाद रजा, बाबूलाल मरांडी, प्रफुल कुमार यादव, एमडी शाकिर हुसैन, राजेश कुमार, अनवर करीम खान, अर्जुन राम और कुशलेंद्र कुमार सिन्हा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार को और कौन से कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।